हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ब्राज़ीलियन स्ट्राइकर इब्सन मेलो के संपर्क में। तो काफ़ी सारे समर्थकों के तरफ से यही कहना है कि इब्सन मेलो इस टीम में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। इब्सन मेलो को बिल्कुल निकाल देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम से, यानी कि रिलीज़ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि खबर आ रहा है कि इब्सन मेलो पहले थोड़े से इंजर्ड थे और फिटनेस इशू भी था उनके साथ, लेकिन दोस्तों जैसा कि खबर है कि वे जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम के साथ, वो फिट हो रहे हैं और आने वाले कुछ मैचेस में ही इब्सन मेलो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और ऐसा होप किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए जल्द ही फॉर्म में वापसी करेंगे इब्सन मेलो। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के वंडर किड पार्थिव गोगोई के संपर्क में। तो दोस्तों, पार्थिव गोगोई ने अभी फ़िलहाल 3 मैचेस में 3 लगातार गोल स्कोर किया है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अटैकिंग लाइन को लीड कर रहे हैं ये 20 वर्ष के सेंट्रल फॉरवर्ड के खिलाड़ी पार्थिव सुंदर गोगोई। तो दोस्तों, जैसे कि कंफर्मेशन आ रहा है कि 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है पार्थिव सुंदर गोगोई ने। तो काफ़ी ज़्यादा र्यूमर आ रहा था कि पार्थिव गोगोई अगले सीज़न किसी और टीम में चले जाएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने ये कंफर्म कर दिया है कि पार्थिव गोगोई कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है पार्थिव गोगोई ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अगले मैच के संपर्क में। तो 21 अक्टूबर को रात 8 बजे से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी खेलने वाली है केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ अवे मैच में। तो ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, और केरला ब्लास्टर्स एफसी अपने होम ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है हमेशा ही। तो अब देखना यह है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से 21 अक्टूबर को कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।